गुड मॉर्निंग। वज्रासन में बैठ जाएं। आज हम करेंगे वज्रासन में बैठने वाले सभी आसन। वज्रासन में बैठ जाएं। अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। दोनों हाथ आपके घुटने पर। वज्रासन की पहली क्रिया में हम करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, टखनों को आपस में मिलाएं, नाभि के नीचे केंद्रित करें, गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास निकालते हुए अपने आप को आगे की ओर लाएं। गर्दन नीचे जमीन के बिल्कुल पैरेलल रहेगी। सामने की ओर देखें, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना। होल्ड करेंगे, होल्ड करें। सेंटर सेंटर में आए। अभी हाथ यहीं रहेंगे, एक बार फिर करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए अपने आप को आगे की ओर लाएं, लाएं आगे की ओर। फिर सेंटर में आए, सेंटर में आए। अब बाएं हाथ का कप बनाएंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड उसके ऊपर रखें। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए अपने आप को आगे की ओर लाएं, लाएं आगे की ओर। दृष्टि सामने की ओर। होल्ड करेंगे, होल्ड करें। सेंटर सेंटर में आए। दोनों हाथों को साइड में रखें, दोनों हाथों को साइड में रखें। तानते हुए ऊपर ले जाए, खींचे हाथ को, खींचे। गहरा लंबा श्वास भरें, खींचे। उंगलियों को आपस में क्लैम करें, हथेली का रुख ऊपर की ओर। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए अपने आप को साइड स्ट्रेच करेंगे। वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस भी पड़ेगी। साथ साथ आपका डाइजेशन पावर बढ़ रहा है। होल्ड करें, सेंटर में आए। खींचे हाथ को ऊपर की ओर, ले जाएं दूसरी साइड। होल्ड करेंगे, होल्ड करें, होल्ड करेंगे, होल्ड करें। होल्ड करें। सेंटर में आए, हाथ को फिर से खींचे ऊपर की ओर। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए दूसरी साइड स्ट्रेच करेंगे। हाथ को खींच के रखेंगे। होल्ड करें, होल्ड करें। सेंटर, हाथ को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, खींचे। सेंटर, हाथ को सामने की ओर लाएं और स्ट्रेच करें, खींचे आगे की ओर। स्ट्रेच करें, रिलैक्स। नीचे की ओर आए, कमर को सीधा रखेंगे। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, नीचे गद्दी या कुशन रख के बैठे। अब क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस पैर को इसी पोजीशन में रखना है, दोनों हाथ ऐसे रखने हैं। इस पैर को साइड में खोलना है, ये साइड में खोलना है, साइड में खोलें। अभी बीच में कैसे बार बार ज्वाइन हो, साइड में करेंगे, ठीक है। इस तरह से बैठेंगे, दोनों हाथों को फिर से नीचे की ओर स्ट्रेच करें, तानते हुए ऊपर ले जाएं। गहरा लंबा श्वास करें और श्वास निकालते हुए ये वाली मुद्रा होल्ड करेंगे, होल्ड करें, खींचे और जाएं, और जाएं। यहाँ पे पूरी स्ट्रेचिंग आती है। सेंटर, अब इस हाथ को नीचे रखें और इस साइड
पूरा स्ट्रेच करे और पंजे को आगे की ओर कर ले, पंजा आगे की ओर तना हुआ, हाथ खींचे हुए, बहुत सुंदर अलाइनमेंट है। होल्ड करें, होल्ड करेंगे, वापस वापस आए, फिर से दोनों हाथों की पोजीशन यहां रखेंगे, पैर को मोड़े, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वज्रासन में बैठे, अब यही सेम एक्टिविटी हम दूसरी साइड करेंगे क्रिया को। फिर से दोनों हाथों को यहां रखें, पैर को साइड में खोलें, बैठ जाए इस पोजीशन में, ठीक है। अब दोनों हाथ फिर से ताने ऊपर की ओर, पहले खींचे हाथ को, खींचे, श्वास भरे गहरा लंबा, श्वास निकालते हुए साइड स्ट्रेच ये, और इस पोजीशन में पंजे को अपनी साइड करना है, पंजे को अपनी साइड करें, होल्ड करेंगे और भी जितना आगे जाएंगे उतना यहाँ पे स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। सेंटर में आए, हाथ को ताने ऊपर की ओर, एक हाथ नीचे रखें, दूसरी साइड स्ट्रेच करें, पंजे को दूसरी साइड करेंगे, होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करेंगे, फिर सेंटर में आए, वापस हाथ को आराम से यहां रखना है, ठीक है। घुटने पे आए, वापस आ जाए, ठीक है। फिर से वज्रासन में आ गए, वज्रासन में अब घुटनों के बल थोड़ा सा खड़े होंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब फिर से एक पैर को साइड में खोलेंगे, खोले साइड में, साइड में दोनों हाथ, हाँ। अब एक हाथ को यहाँ पे रखेंगे जो पैर आपने खोला हुआ है, दूसरा हाथ ताने, अपनी अलाइनमेंट को चेक करना है, मेरी अलाइनमेंट यूं भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। खींचे हाथ को, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए ये धीरे धीरे हाथ को आगे लाए और अपने आप को फिर देखो फ्रंट में रखना है, होल्ड करेंगे, होल्ड करें, सेंटर में जाएं, हाँ। अब हाथ को फिर से नीचे रखें, जो हमने सेम पहले आसन में की थी उसमें हमने बैठ के की थी, अब बस खड़े हुए हाथ को यहाँ रखें, साइड साइड करें, खींचे हाथ, वापस आए, वापस आए, दोनों हाथ ऊपर करें, स्ट्रेच करें, साइड होल्ड करें, पंजे को अपनी साइड करें, वापस रिलैक्स, आराम से करना एक्टिविटी को, ठीक है, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं। अब दूसरा पैर खोलें, जिसको घुटने में प्रॉब्लम है, सरफेस हार्ड लग रहा है, नीचे कुशन रखें, गद्दी रखें, तकिया रख ले, ठीक है ये। अब दोनों हाथ तानते हुए ऊपर ले जाएं, स्ट्रेच करते हुए खींचे हाथ को ऊपर की ओर, ये गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए, सब पहले ये हमने ये वाली एक्सरसाइज कर ली, कोई बात नहीं, स्ट्रेच करें, खींचे, सेंटर सेंटर, हाथ को एक बार ऊपर लंबाई देंगे पूरा, दोनों हाथ नीचे लाएं, अब एक हाथ को साइड में थाइस के पास रखेंगे, दूसरा हाथ ऊपर लाएं, अब स्ट्रेच करते हुए साइड स्ट्रेच जाएं, सेंटर, अब जो हाथ नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, एक हाथ नीचे, हाँ। अब पंजे को खींचे अपनी साइड, होल्ड करें, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे,
वापस। अगर ढंग से करी जाती है योगा तो कभी नुकसानदेह नहीं है। अगर हम अपनी अलाइनमेंट खराब करके योगा करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, दोष हमारी योगा का हो जाता है, पोस्चर हमारा गलत होता है। वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठे। हाँ, अब दोनों हाथ पीछे रखेंगे, इस पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथ पीछे रखें और अब ये बटक पे प्रेशर डालते हुए सेंटर पार्ट को ऊपर उठाएं। जो लोग पुष्टासन नहीं कर पाते उनके पूरे फायदे आपको इस आसन में मिलते हैं। गर्दन को पीछे कर लें, होल्ड करें, सेंटर में आए। अब एक पैर को निकाल के आगे की ओर कर ले, एक पैर पीछे रहेगा, एक पैर को आगे कर ले, दोनों हाथ फिर से पीछे की ओर और फिर से सेंटर पार्ट को ऊपर उठाए, एक पैर मुड़ा हुआ है और एक गर्दन पीछे। वापस आराम से आना है, बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं है योगा करते हुए। अगेन फिर से पैर को मोड़े वज्रासन में फिर से दोनों हाथ रखें पीछे की ओर, बटक पार्ट को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करें, गर्दन पीछे की ओर, वापस आए सेंटर। अब दूसरे पैर को आगे की ओर निकालें, पोजीशन पहले बैलेंस बना लिया करें दोनों हाथों से, ठीक है। अब धीरे धीरे हाथ को पीछे रखें, बैलेंस बनाएं और सेंटर पार्ट को ऊपर उठाना है, होल्ड करें, गर्दन पीछे, धीरे धीरे सेंटर में आए, ठीक है। अब एक पैर मुड़ा हुआ है, ठीक है, एक पैर को हमने इस तरह से कर लिया, ठीक है, इस तरह से एक पैर, ठीक है, दोनों हाथों से पकड़े, पेट की ओर लगाए, पवन मुक्त आसन के सारे फायदे, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है उसके लिए बहुत रामबाण आसन है। चेंज कर लेंगे जो आराम से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब ये तो मैंने वज्रासन डायरेक्ट करा रही हूँ, इससे पहले 5 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करें, उसके बाद वज्रासन करना शुरू करेंगे। कोई भी आसन आप एकदम पहले अपने शरीर को गर्म करें, उसको रवाएं, उसके बाद स्टार्ट करें। फिर वापस आ जाएं वज्रासन में आ जाएं। एक बहुत ही सुंदर आसन जो हम वज्रासन में करते हैं, जिसमें दो आसनों का फायदा मिलता है, शशक आसन और भुजंग आसन, दोनों का फायदा मिलता है। हम इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों हाथ आगे की ओर लाएं, ये हो गया आपका शशक आसन। इसमें क्या है, आपके राइट साइड लीवर, लेफ्ट साइड पैंक्रियास दोनों दबती है। खींचे हाथ को, अब हिप्स पार्ट को ऊपर करते हुए सामने आएंगे और वज्रासन, गर्दन पीछे, फिर हथेली पे प्रेशर डालते हुए फिर से पीछे जाएं, खींचे, अगेन आगे की ओर, पीछे जाएं, हिप्स पार्ट को पीछे की ओर लगाएं, फिर आगे आएं,
फिर पीछे जाएं, सेंटर, सेंटर में आएंगे, सेंटर में आए, वज्रासन में बैठे, अब फिर से घुटनों के बल खड़े हो जाएं, आगे से घुटने खोल लें, पीछे से पैरों को खोल लें, ठीक है। अब हम जो हम उष्ट्रासन करते हैं उसका पहला पोज जो दोनों हाथों से नहीं कर पाते, ठीक है, पहले एक हाथ को यहाँ रखना है, पोजीशन बना ली, अब ऊपर की ओर देखना है और दूसरा हाथ तानते हुए ये होल्ड करना है, होल्ड करें, हाथ पीछे खिंचाओ, होल्ड करके रखेंगे, सेंटर, सेंटर में आए, अब दूसरा हाथ यहाँ पे रखेंगे और उसको अपोजिट हैंड पीछे की ओर खींचे, होल्ड करें, सेंटर, सेंटर में आए, आप उष्ट्रासन पूर्ण रूप से करेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, जो कर सकता है वही करेगा, नहीं तो अपनी पहली पोजीशन, सिर्फ कमर को पीछे ले जाना ही, और जब आपको लगे आपकी कमर दोरी हो गई है, दोनों हाथ हटाते हुए तलवे पर नाभि को आगे की ओर खींचेंगे, सेंटर, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाएंगे, एक बार फिर एक हाथ को ऊपर की ओर लाएं, एक हाथ को नीचे की ओर जमा लें, साइड स्ट्रेच करें ताकि जितना प्रेशर है वो सारा रिलीज हो जाए, खींचे हाथ को, इस टाइम आपके घुटने पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आता, सारा हाथ आप प्रेशर आपका हाथ पर, चेंज, चेंज, सेंटर, हाथ को यहाँ रखें इस वाले घुटने पर, एक हाथ को ऊपर लाएं, खींचे, साइड स्ट्रेच इसको, हाँ जितना टाइटली पकड़ेंगे उतना स्ट्रेचिंग अच्छी होगी, होल्ड करें, सेंटर, चेंज करें दूसरी साइड, खींचे हाथ को पहले, मैक्सिमम खींचे, स्ट्रेच करें, सेंटर, वापस, वापस आए, वापस आए, बैठ जाएं, पैरों को खोल लेंगे आगे की ओर, पैरों को खोलें, धीरे से आगे की ओर खोलें, दोनों हाथ पीछे, पंजे को आगे की ओर करें, तान के कर रखेंगे पंजों को, खींचे मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं खींच के रखेंगे, अब पंजों को अपनी साइड लाएं, फिर आगे की ओर ताने, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे, सेंटर में आए, एक पैर को मोड़े, दूसरे पैर को पंजे पंजा पकड़े और ऊपर की ओर ताने, स्ट्रेट करेंगे, करें स्ट्रेट, होल्ड करेंगे, होल्ड करें,
वापस। अब दूसरे पैर को पकड़ें और ऊपर की ओर बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएं, घुटने को सीधा करने की कोशिश करेंगे। फिर वापस आए, वापस आए। इस पोजीशन में बैठे, एक बार फिर बटरफ्लाई शुरू करेंगे। दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें, बटरफ्लाई। करें, करते जाएं। करते जाएं। अब दोनों हाथों को आगे रखें और मैक्सिमम आगे की ओर आए। सेंटर, सेंटर में आए। दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें, पेट की ओर दबाएं। नीचे पंजे भी मिले हुए हैं, घुटने आपस में जितना देखो, हमें कोनी से जो हमारी ये चीज है, इससे हमें इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। और इसको पैरों को जितना नजदीक रख सकते हैं रखेंगे। पहले यहाँ पे फंसाएं, क्लैंप करें और दबाएं बहुत, और इससे क्या होगा, कमर भी सीधी होगी। दबाएं, होल्ड करें, होल्ड करेंगे। और दबाएं, अभी भी गैप है घुटनों के बीच में, उस गैप को खत्म करना है। वापस, वापस आए, सुखासन में बैठें, सुखासन में बैठें। दोनों हथेलियां पलटकर घुटने पर, कमर गर्दन सीधी। करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन को राइट साइड ले जाएं, सेंटर, लेफ्ट साइड ले जाएं, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर। अब दायां कान दाएं कंधे पे लगाएं, दाएं कान को दाएं कंधे पे लगाएं। सेंटर, बायां कान बाएं कंधे पर। यहां से पूरी स्ट्रेचिंग आनी चाहिए आपकी। सेंटर, फिर दायां कान दाएं कंधे पर। सेंटर, बायां कान बाएं कंधे पर। सेंटर, गर्दन को ऊपर ले जाएं। अब नीचे वाले होंठ को ऊपर की ओर लगाएं। सेंटर में आएंगे, सेंटर में आए। अब आंखें खोलकर गर्दन को गोलाकार स्थिति में घुमाएंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे करें। एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञात मुद्रा में, पहली तीन उंगलियां मिली हुई, अंगूठा और उसके साथ की उंगली, टिप आपस में मिली हुई। गहरा लंबा सांस भरें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। पुनः सांस को भरें, छोड़ें। एक और गहरा लंबा सांस भरेंगे,
गहरा लंबा श्वास छोड़ें। ईश्वर से प्रार्थना, इसी तरह मुझे अच्छे कार्यों में लगाए रखे। कोई भी एक शुभ संकल्प लें, कोई भी एक अच्छा कार्य करने का। अच्छा कार्य करना यानी अपने अंदर जो आपके नेगेटिविटी है वो आप ना करें, ये सोचना अंदर से। अब दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, घर्षण करें उसका। अपने मुख मंडल पर और पूरे शरीर को ऊर्जा देते हुए क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू गीता जी। ओके।